What's up everyone? Welcome back to the channel. अब यार बोर्ड्स में बच गया कुछ गिने चुने सेलेक्टेड दिन, तो यार कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना, क्या छोड़ना है, कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, हजारों सवाल तुम लोग के माइंड में आ रहे होंगे. और तुम लोगों के पास सवाल हो और मैं जवाब लेके ना आऊँ तो ऐसा तो नहीं हो सकता. तो जितने भी तुम्हारे माइंड में इस टाइम पे सवाल चल रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लाइन लगा के भर देना. आज रात को ही, ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा होगा, और आज रात को ही मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँगा और उन सभी कमेंट्स के रिप्लाई के साथ तुम लोगों के पास वीडियो आ जाएगा. चलो आओ जल्दी से एक लास्ट मंथ की अप्रैल की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या क्या पूरा करना है, और उसके बाद हम लोग अपनी सब्जेक्ट वीडियोस पे आ जाएंगे. आओ जल्दी से जान लेते हैं क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है और कब करना है. लेट्स बिगिन. तो देखो यार, तुम लोग के एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं 4 मई से. 4 मई 2021 में तुम लोग अपना पहला बोर्ड एग्जाम दे रहे होगे, और जो वीडियो तुम लोग के पास आने वाला होगा, ये वाला, और ये आ रहा होगा या 7 अप्रैल या 8 अप्रैल, इन दोनों में से एक डेट में आ रहा होगा. तो अगर मैं इन दोनों डेट्स में टाइम देखूं तो आपके पास अभी भी 22 से 23 डेज टू प्रिपेयर है. और मैं उन सभी बच्चों से बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी तक कुछ प्रिपेयर नहीं करा, और वो अभी भी थोड़े वरीड फील कर रहे हैं, वो अभी भी स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं, तो उन लोग को भी अभी से लग जाना है. 22 to 23 डेज आर बहुत यार, आर सफिशियंट, मतलब बहुत अच्छा टाइम है. अभी भी स्टैंडर्ड टाइम है अगर तुम लोग को सिर्फ पास होना है. क्लास 12th CBSE एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें फेल होने का तो यार कोई चांस ही नहीं बनता. अगर आप इन 22-23 डेज में पढ़ते हो तो भी यार बहुत बढ़िया स्कोर कर लोगे, एक बढ़िया परसेंटेज उठा लोगे. तो पहली बात तो अंडर कॉन्फिडेंट मत रहो, कॉन्फिडेंट हो जाओ, अपने अंदर जोश जगाओ, अपना जज्बा वापस से लेके आओ और लगो यार, लगो. टेंशन मत लो, किसी की मत सुनो यार. लोग तुम्हें डराएंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो अभी सब हो सकता है. घबराने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेंट्रेट करो जितनी चीजें मैं तुम लोग को बता रहा हूं, ठीक है. सबसे पहली बात, अब थोड़ा सा सेलेक्टिव हो जाओ, बी सेलेक्टिव. पूरी किताब तो भाई तुम लोग नहीं कर सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा सेलेक्टिव हो जाओ. कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हर साल बोर्ड्स में आ रहे होते हैं, अभी बता रहा हूँ मैं आगे तुम्हें इस वीडियो में, बट कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हर साल बोर्ड्स में आते हैं. जितने लोग तुम्हारे आसपास एक्सपीरियंस होल्डर हैं, चाहे वो कोई सीनियर हो, चाहे वो तुम्हारे टीचर्स हो, उनसे पूछो, उनके साथ बैठो, उनसे मार्क करवाओ. मैं भी करवाऊंगा आने वाले 20 से 23 दिनों में, तुम्हें बहुत सारे सवाल करा दूंगा, चिंता मत करो. बट मेन थिंग इज सेलेक्टिव हो जाओ, जान लो कि क्या करना है. दूसरी बात, लिखना शुरू कर दो भाई. प्रैक्टिस. अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा परेशान करता है क्लास 12th में, तो उससे अगर परेशान होने से बचना है तो प्रैक्टिस करो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो. अपना 100% दे दो, अपना 200% दे दो, पूरी जान लगा दो यार, प्रैक्टिस करो. और उन्हीं सेलेक्टिव क्वेश्चंस की, ठीक है. इस टाइम पे अगर तुम लोग को कोई एक अच्छी चीज़ जो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, जो तुम लोग को हेल्प कर सकते हैं, वो है सैम्पल पेपर्स. सैम्पल पेपर्स तुम लोग को उठाने हैं और सैम्पल पेपर्स करो यार. किताबें छोड़ दो यार, साइड में रख दो, किसी एक सीनियर के पास, किसी एक टीचर के पास बैठो. नहीं बैठना तो यूट्यूब खोलो, जो सैम्पल पेपर में कॉन्सेप्ट आ रहा है वो नाम डालो, एकदम से वीडियो आ जाएगा. मेरा होगा तो मेरा आ जाएगा, और बहुत सारे हमारे टीचर्स हैं जो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, उनके वीडियोज आ जाएंगे. सैम्पल पेपर करो, वो कॉन्सेप्ट करो, काम खत्म, ठीक है. तो 3 चीज़ों का ध्यान रखना है. पहली बात, सेलेक्टिव हो जाओ, सिर्फ सैम्पल पेपर्स करो और उनकी प्रैक्टिस करो. सोचो मत, काम करो. सोचना बंद कर दो, काम करना शुरू कर दो, बिल्कुल स्टार्ट कर दो, अभी से लग जाओ यार. जब वीडियो आ रहा होगा एक अच्छा शेड्यूल बनाओ. और फिर बोल रहा हूँ, अगर कुछ नहीं पढ़ा तो इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, ये तुम्हारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो तुम एग्जाम डेज में भी कर पाओगे. कॉन्सेंट्रेट करो अपने मेन सब्जेक्ट्स पे, ये सभी दिन अपने मेन सब्जेक्ट्स को दे दो. पूरा अप्रैल मेन सब्जेक्ट्स को दे दो यार. 4 तारीख को अगर इंग्लिश का पेपर है तो 1-2-3 दिन में इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी. टेंशन मत लो उसकी, वो हो जाएगा, वो हो जाता है, उसमें दिक्कत नहीं आएगी. दिक्कत कहाँ आएगी, तुम्हारे मेन सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, बिजनेस, इको, मैथ्स. मैथ्स के बारे में मुझे पता नहीं, वो अपने कवरेज क्षेत्र से बाहर है, उसकी मैं बात ही नहीं करूँगा. मैं बात करूँगा अकाउंट्स, बिजनेस, इको की. चलो जी सर, जल्दी से बता दो कौन कौन से सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं जो हमें अकाउंट्स में करने हैं. यार देखो, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई थी कि अकाउंट्स में कैसे प्रिपेयर करना है, बट फिर बता रहा हूँ. देखो, 8 नंबर में क्या आ रहा है अकाउंट्स में, 8 मार्क में क्या आ रहा है. 8 मार्क में 3 ही टॉपिक आते हैं, या तो शेयर्स का क्वेश्चन,
या एडमिशन का सवाल या रिटायरमेंट का सवाल। अब इन तीन में से कोई दो टॉपिक तुम्हें 16 नंबर दिलवा रहे होंगे, तो बहुत अच्छे से सबसे पहले शेयर्स, एडमिशन, रिटायरमेंट ये कर लो, किसी के पास भी बैठ के कर लो, और कोशिश करना कि 8 में से 8 ना भी आए तो चलेगा, 5-6 आ जाए बहुत है, ठीक है। और तुम लोग को बार बार बोल रहा हूँ ये एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज पे फोकस करना इसमें, ठीक है। इसके बाद तुम लोगों को क्या करना है, 6 नंबर में क्या आ रहा है, 6 नंबर में देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एनपीओ से इस बार 100% आएगा, 100% इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए आएगा ही आएगा, तो वो 6 नंबर में कन्फर्म्ड है। उसके बाद क्या और अच्छे से आपको कर लेना है, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। वो क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आप लोग को 2 नंबर पे करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत अच्छे तरीके से इसे कर लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट छोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये कर लो। इसके बाद 6 नंबर में और क्या आ सकता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, 2 नंबर पे आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, 3 नंबर पे आप लोगों को क्या प्रिपेयर करना है फॉर 6 मार्क्स, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन पक्का 6 नंबर में ये सवाल पक्का होता है, तो इस तरीके से चीजें प्रिपेयर करो, समझे क्या, एडमिशन, डिसोल्यूशन, शेयर्स। अब बोनस बताऊं, बोनस क्या है, 4 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए बोनस है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल बोनस है, ये तुम्हारे एग्जाम्स में 100% आने वाली है, इन्हें कर लो। हेडिंग्स और हेडिंग वाले सवाल, बैलेंस शीट याद करनी है एनालिसिस में, एनालिसिस में बैलेंस शीट याद करनी है, वो लर्न कर लो, रटने वाला यार, समझने वाला भी नहीं है, रट तो सकते हो, ऐसे करो, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, टाइम टू टाइम बताऊंगा, और वो वीडियो देखो डिटेल में जाके, वीडियो चेक करना। उसके बाद बिजनेस स्टडीज की बात करूं तो भाइयों स्टार्ट करो प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स के साथ स्टार्ट कर दो भाइयों और बहनों दोनों, प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत अच्छे से रटना है, सारे प्रिंसिपल्स कर लो, केस स्टडीज भी उसकी हो जाएंगी, सीधी सीधी केस स्टडीज आती हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर फोकस करना ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट, ये 6 चैप्टर सबसे पहले करना। कौन कौन से, प्रिंसिपल्स, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट। मैक्सिमम स्टफ यहीं से आने वाला है, तुम लोग को फिर बता रहा हूँ, मैक्सिमम यहीं से आने वाला है। इसके बाद मार्केटिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन करना, फिर फर्स्ट पार्ट पे जाना। पहले ये 6 चैप्टर्स अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में लेके आओ, ये तैयार करो, यूट्यूब पे सर्च करो, मेरी प्लेलिस्ट खोल लो, मैंने ऑब्जेक्टिव्स भी डाले हुए हैं, कॉन्सेप्ट्स तो डाले हुए हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। इको पे अगर आऊँ तो इकोनॉमिक्स में मैक्रो से नेशनल इनकम में 6 नंबर का न्यूमेरिकल, अरे भाई इतना हॉर्न क्यों बजाता है, पता नहीं क्यों नॉइस पॉल्यूशन करते हैं, 6 नंबर का न्यूमेरिकल नेशनल इनकम से बनेगा, तो इसके न्यूमेरिकल्स अच्छे से देख लो। ADS सबसे बड़ा यूनिट है, तुम्हें पता है मैक्रो में सबसे बड़ा यूनिट और सबसे आसान लगता है मुझे, रटने रटाए वाला अप्रोच, ADS बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट डाला हुआ है, सब डाला हुआ है, प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। फिर इंडियन इको को यूनिट 2 पे भाग जाना, यूनिट 2 सबसे कॉमन और सबसे ईजी है यार, तुम लोगों से पूछ रहे हैं पॉवर्टी क्या है, तुम लोगों से पूछ रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, क्या तुम ये भी नहीं लिख सकते क्या, कॉन्फिडेंस लेके आओ, इंडियन इको का यूनिट 2 उठा लो, पॉवर्टी, रूरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमन बातें, सिर्फ रीड भी कर लोगे ना और भर के आओगे, कॉपी भर के आना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तुम लोग को फिर बोल रहा हूँ ये चीज़ें बहुत आसान है, यू हैव टू जस्ट स्टडी स्मार्टली, स्मार्ट वर्क, मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना है। आज मुझे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा के ना बड़ा अच्छा फील हो रहा है, स्मार्ट बोर्ड भी था लेकिन मन करा यार इस पे पढ़ाता हूँ, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें स्मार्ट बोर्ड पे भी बढ़िया नहीं है ना, ये तो मेरा इससे बहुत प्रेम है यार, यहीं से जर्नी शुरू हुई है, और टचवुड इसने हमें कितना कुछ ला के दिया है, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। और मैं इस पर एक वैसी वीडियो बना रहा था, मुझे लगा सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो इसी पर बनाना चाहिए, समझ गए। 4 चीज़ों का ध्यान रखना है, सेलेक्टिव होना है, प्रैक्टिस करना है, स्मार्ट वर्क करना है, सैम्पल पेपर्स करने हैं। ये टॉपिक सबसे पहले उठा लेना, ये टॉपिक सबसे पहले उठाओ, इसके साथ और भी चीजें बताऊंगा टाइम टू टाइम, बट तैयार हो जाओ। जो भी बच्चे पढ़ाई शुरू करेंगे मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर देना कि देखो सर हमने पढ़ना शुरू कर दिया, स्टोरीज लगाओ मुझे बताओ, और लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा, सारी स्टोरीज रिपोस्ट करूंगा, सबको बताऊंगा, सही है। उसके साथ साथ जितनी भी तुम्हें प्रॉब्लम्स आ रही है, मैंने बोला ना कॉमेंट सेक्शन ओपन है, सभी लोग कॉमेंट सेक्शन में अपनी समस्याएं भर दो, उसी पैटर्न पे अगली वीडियोज आने वाली है, ठीक हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, छोटा सा वीडियो था, तुम्हें उठाना था, जगाना था, मुझे खुद जागना था, एक मोटिवेशन बिल्ड करना था। अब तुम लोग अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाओ और तुम लोग भी मुझे मोटिवेशन दो कि हम लोग फटाफट और बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सी यू ऑल टुमारो, जल्दी से मिलता हूँ, समस्याएं बताना, समाधान मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।